नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 3 जनवरी 2023 और यहां पे 4 जनवरी 2023 वेडनेसडे यानी कि बुधवार के लिए 3 स्टॉक्स इंट्राडे के लिए सेलेक्ट कर लिया। उसके इंट्राडे लेवल बताने से पहले डिस्क्लेमर ध्यान से सुने, कोई भी पर्सन बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेड करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें, आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान रखिए और आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में बेहतरीन कॉल्स मिलते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आज भी आप जाके चेक कर सकते हैं। साथ ही आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड वर्जन, वहाँ पे भी आपको लाइव मार्केट में कॉल्स मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अगर प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें, एस्प्रेसो फायर सेलाइज ब्लू एंजल वन जरूरदा सब को किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड करूंगा। आज भी अक्षर से केमिकल दिया हुआ था, 2 दिन पहले उसके टारगेट आज सारे अचीव आ गए स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में। तो चलिए पहले हम लोग 3 स्टार स्टॉक्स को देख लेते हैं, कौन से 3 स्टॉक्स हैं जो कल हम बुधवार को ट्रेड करने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं। देखिए चार्ट को रीड करिए, चार्ट को रीड करिए, वही आपको पैसे बना के देगा। जो चार्ट, जो जिसने सीखा चार्ट रीडिंग, है ना, मार्केट में पैसा उसी ने पीटिंग, समझिए पैसा मार्केट में वही पीटेगा जो चार्ट को रीड करेगा। आप यहां पे समझिए, ये अडानी पोर्ट का 15 मिनट का चार्ट है। कितने मिनट का चार्ट है? 15 मिनट का चार्ट है। और ये देख रहे हैं, ये एक बक्सा में, ये दिन कट्टन पैटर्न जिसको बोलते हैं रेंज बाउंड पैटर्न, दिन कट्टन पैटर्न फंस गया ना 15 मिनट के चार्ट पे। और कितने तारीख का? देखिए 30 तारीख का, यानी 30 दिसंबर, उसके बाद आया 2 जनवरी, उसके बाद आया 3 जनवरी। ये 3 दिन से एक ही जगह पे फंस गया है अडानी पोर्ट, यानी कि बेहतरीन कंसोलिडेशन फेज, बेहतरीन रेंज में फंसा हुआ है। तो हमें इसके ऊपर या नीचे ट्रेड करने का कोशिश करना है अडानी पोर्ट को। तो अगर बाइंग करना चाहते हैं अडानी पोर्ट को, जरूर बाय करिए 826 रुपए के ऊपर, और बाय अबव 826, और स्टॉप लॉस 820 का लगाइए। और जो टारगेट होगा 832 पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 838 838 और तीसरा टारगेट 844 844 का होगा। क्लियर है? अब अगर सेल करना चाहते हैं तो जरूर सेल करिए, सेल के लिए भी कोई दिक्कत नहीं। तो सेल बिलो हो जाएगा आपका 815 के नीचे, सेल बिलो 815, और जो स्टॉप लॉस लेके चलिए दोस्तों 821, 821 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और टारगेट 809 809 रुपए, दूसरा टारगेट 803 803 रुपए, तीसरा टारगेट 797 797 रुपए का। ये पहला स्टॉक है अडानी पोर्ट, बेहतरीन रेंज में फंसा हुआ है। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल भी आपको ट्रेड को अवॉइड करके चलना है, उसके बाद एक स्टॉक बाइंग या सेलिंग को एग्जीक्यूट करें तो ही ट्रेड करें, अदरवाइज ट्रेड को आप अवॉइड कर दें। तो ये पहला स्टॉक है। अब बढ़ूंगा सेकेंड स्टॉक की तरफ में, और सेकेंड स्टॉक का जो आपके सामने में नाम आएगा उस स्टॉक का मैं आपके सामने चार्ट सबसे पहले ले आता हूँ। चार्ट है आपका HDFC लाइफ, मैं यहाँ पे चार्ट लिखता हूँ। अब देखिए जो HDFC लाइफ का चार्ट आपके सामने आ रहा है, ये भी बिल्कुल अडानी पोर्ट के जैसा ही, मैं जूम करता हूँ फिर आपको चार्ट और भी बेहतर क्लियर नजर आएगा। ये भी अडानी पोर्ट के जैसा ही देखेंगे तो आज एक जबरदस्त मूव आया नीचे से अपसाइड में, जबरदस्त मूव खींचा इसने ऊपर, और मैंने आपको इंट्राडे कॉल्स भी दिया था टेलीग्राम चैनल पर अपने और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पर भी, उसे सारे टारगेट हो गए रॉकेट जैसा। HDFC लाइफ भागा, 581 हमारा टारगेट था फाइनल टारगेट, ये लगभग 600 तक चला गया, 600 तक। तो जबरदस्त मूव किया आपको यहाँ पे, और यहाँ पे ऊपर जाने के बाद इसने भी एक रेंज में फंसने वाला काम कर लिया, इस रेंज के अंदर में फंस गया। तो दोनों ही स्टॉक्स उसी रेंज में फंसा हुआ है। तो पहला स्टॉक तो मैंने आपको अडानी पोर्ट बताया, तो इसको अब दूसरा स्टॉक जो है वो HDFC लाइफ है। ये HDFC लाइफ, ये भी 15 मिनट के चार्ट में फंस गया है। अगर आपको खरीदना है तो 600 के ऊपर खरीदिए, बाय अबव 600, और स्टॉप लॉस जो लेके चलिए वो 596 596 रुपए का, और जो टारगेट होगा वो 604 604, दूसरा टारगेट 608 608, और तीसरा 612 612 रुपए का। मान लीजिए कि ये ऊपर नहीं गया और ये नीचे ब्रेक कर जाता है, यानी कि नीचे के एरिया को तोड़ता है, तो सेल करेंगे। तो सेल का लेवल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सेल करना है 593 रुपए के नीचे, सेल बिलो 593, और जो स्टॉप लॉस होगा इस कंडीशन में 597 रुपए 597 का, और जो टारगेट होगा वो 589 589,
दूसरा टारगेट 585,585 और तीसरा 581,581 रुपए का। ये सेकेंड स्टॉक है HDFC लाइफ। फर्स्ट टारगेट के पास भी अगर स्टॉक पहुंचे दोस्तों तो जरूर अपना 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए, बाकी का आप स्टॉक लॉस टेल करके चल सकते हैं। अब बढ़ूंगा तीसरा और फाइनल स्टॉक दोस्तों, और उसका भी नाम मैं आपके सामने में यहां लिख दूं। वो स्टॉक्स बेहतरीन है, मेटल सेक्टर का है और वो है JSW स्टील, जो कि अभी आपके सामने में चार्ट आ जाएगा। JSW स्टील का चार्ट आपके सामने में आ रहा है, ये आ गया JSW स्टील। सबसे पहले इसको रीजन समझिए क्यों। देखिए JSW स्टील ने अगर आप देखा जाए तो 29 तारीख को 28 को एक फ्लैग पैटर्न बनाया था, फ्लैग बनाने के बाद 29 को ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद एक अच्छी जर्नी, ठीक है। ब्रेकआउट करने के बाद क्या कहते हैं, पहले 27 को फ्लैग बनाया, फिर 29 को ब्रेकआउट किया उस फ्लैग का, और ब्रेकआउट करने के बाद एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना लिया। ये कौन सा पैटर्न बना लिया ऊपर में जाके, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कैसे पता चलता है कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, तो चलिए मैं आपको यहाँ पे से ड्रॉ करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, कैसे आपको ये समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये है, इस तरह से ऊपर जब भी कोई स्टॉक जाएगा मूव करते हुए तो उसको कहते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। यहाँ से आप देखेंगे ध्यान से तो ये हेड, ये हेड हो गया और ये दो शोल्डर हो गए, ये नेक लाइन हो गया, है ना, इसको बोलते हैं हेड एंड शोल्डर पैटर्न। 15 मिनट के चार्ट पर अगर देखा जाए तो JSW स्टील ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है, तो बेहतरीन स्टॉक है। अब यहाँ पे देखिए ये एक सपोर्ट एरिया को होल्ड कर गया। हालांकि देखिए लोग इस बात को, इस वीडियो को कंप्लीट पूरा देखते नहीं है, अगर ये पूरा जो भी व्यक्ति इस 3 स्टार वीडियो को रेगुलर बेस पे देखता होगा, मेरा मानना है जो भी रेगुलर बेस पे 3 स्टार वीडियो को देखता होगा उसकी चार्ट एनालिसिस बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बिना चार्ट के मैं कोई लेवल बताता नहीं। तो JSW स्टील कौन सा पैटर्न बना लिया, अब देखिए ऊपर से यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये आपको एक ट्राइंगल पैटर्न भी नजर आ जाता है, यानी कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न प्लस ट्राइंगल पैटर्न दोनों ही बना रखा है JSW स्टील ने। अब देखिए यहाँ से मैं आपको ट्राइंगल पैटर्न भी दिखाता हूँ, ये आगे ट्राइंगल पैटर्न है ना, तो ये दोनों ही तरह के पैटर्न JSW स्टील ने बना रखे। अब इसी पैटर्न पर हमारा ट्रेड होगा, तो अगर बाय करना है JSW स्टील को जरूर बाय करेंगे। अगर आप साइड में ब्रेक करता है 772 को तो बाय करेंगे, बाय भाव 772 और स्टॉप लॉस जो लेके चलेंगे 767 रुपए का। और जो पहला टारगेट होगा 777, दूसरा टारगेट 782 782 और तीसरा टारगेट 787 787 रुपए का। अगर ये नीचे ब्रेक करता है, इस हेड एंड शोल्डर के नीचे आ जाता है तो सेलिंग साइड में जाएंगे, तो सेल करने के लिए भी तैयार रहेंगे। तो सेल के लेवल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 763 के नीचे सेल करना, सेल बिलू 763, जो स्टॉप लॉस होगा वो 768 का होगा, 768 जो टारगेट होगा 758 758, दूसरा टारगेट 753 753 और तीसरा टारगेट होगा 748 748 रुपए का। ये फाइनल टारगेट हो जाएगा JSW स्टील में। तो दोस्तों बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड कभी नहीं करना, और अपने स्टॉप लॉस का यूज, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज जरूर करिए। फर्स्ट टारगेट पहुंचे तो 50-70% क्वांटिटी बुक कीजिए। तो 3 स्टॉक है जो मैंने आपको बता दिया है बुधवार वेडनेसडे के लिए 4 जनवरी 2023 के लिए। तो वीडियो एनालिसिस पसंद आया जरूर फीडबैक करें, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।